जयपुर में एक 5 वर्षीय बालक की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक बच्चे के शव को कब्जे में लेकर उसका पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि काशीपुर के मोहल्ला बांसवाड़ा निवासी मोहम्मद सलीम का अपनी पत्नी से तलाक हो गया था। जब पिता और पुत्र घर में रहते थे कि अचानक देर रात मोहम्मद सलीम के 5 वर्षीय पुत्र आदिल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद पिता मौके से फरार हो गया। लोगों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ मनोज ठाकुर ने बताया कि बांस कोडान पुलिस चौकी के पीछे एक घर में 5 वर्षीय आदिल संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला, जिसकी सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक का पिता मौके से नहीं मिल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बच्चे की मृत्यु हो गई है जो नगर निगम के पीछे घर है, तो पुलिस की मौके पर गई और बच्चा जो है वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसकी छानबीन करेगी तो उसका बाप जो है मौके से चला गया था, लेकिन उसने एम्बुलेंस बुलाने के लिए पड़ोसियों को बताया था, लेकिन मौके से वो चला गया था। इस बात की जाँच परख करी जा रही है और बॉडी जो है बच्चे की वो पोस्टमार्टम से भिजवा दी। ऐसे कोई छुट्टे तो नहीं थी उसके शरीर पर, लेकिन जो मृत्यु का कारण है वो पोस्टमार्टम की बात ही साफ हो गई।